हेलो दोस्तों, बोर्ड ने जारी किया मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर को हम बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से सरल करेंगे। हम इसका पार्ट बी सोल्व करने जा रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता 1/2 और 1/3 है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि उनमें से तथ्य कोई एक समस्या का हल कर लेता है। समस्या को या तो ए सोल्व कर दे या बी सोल्व कर दे। तो ए यूनियन बी की प्रायिकता इजिकल टू ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। चूंकि ए और बी दोनों स्वतंत्र है, इसलिए ए तथा बी दोनों के द्वारा समस्या को सोल्व करने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता इजिकल टू ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता। ए यूनियन बी की प्रायिकता हो जाएगी ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता। अब हमारे पास दिया गया ए की प्रायिकता कितनी दे रही है, 1/2 और बी की प्रायिकता दे रही है 1/3। हमें ज्ञात क्या करना है, ए यूनियन बी की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी की प्रायिकता इजिकल टू ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता माइनस ए की प्रायिकता इंटू बी की प्रायिकता। ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो पी ए का मान हमारे पास 1/2 था, पी बी का मान 1/3 था माइनस पी ए का मान 1/2 गुणा 1/3। तो यहाँ से देखो लेसअप कितना आ गया, 6 आ गया, 2 3 6 3 प्लस 3 6 2 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, 3 और 2 5 में से 1 4/6। तो हमारे पास ए यूनियन बी की प्रायिकता कितनी आ गई, 2/3। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया ए यूनियन बी की प्रायिकता आ गई 2/3, ये सोल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिख रखा है उसे दबा दीजिए।